हेलो भाई, आज हम बात करेंगे आरएनए वर्ड की। आरएनए वर्ड वर्ड जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में भी आप पूरे बायोलॉजी के अंदर देखते हैं, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आज हम आरएनए वर्ड की बात करेंगे कि ऐसा बायोस्फीयर के अंदर एक ऐसा टाइम पीरियड जब आरएनए ही कैटेलिस्ट का काम कर रहा था और जेनेटिक मटीरियल का काम कर रहा था, वो एक ऐसा टाइम पीरियड था, उसको हम आरएनए वर्ड कहते हैं। उससे इवोल्यूशन हुआ राइबोसोम्स का और पॉलीमर ट्रांजिशन हुआ, तो उसके बाद डीएनए आरएनए प्रोटीन वर्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस पॉइंट को अपन स्पेशली देखना चाहेंगे और इसके साथ जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स हैं, ठीक है ना, जेनेटिक सिस्टम हैं, उनको भी अपन इसमें बात करेंगे आरएनए वर्ड के अंदर। तो ये स्पेशली अब अपन स्टार्ट करते हैं आरएनए वर्ड। हेलो भाई, स्टार्ट करते हैं आरएनए वर्ड को। स्पेशली हमारी क्लासेज जो चलती हैं वो ऑनलाइन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज दोनों चलती हैं। नेट नीट नेट वगैरह से भी एग्जामिनेशन है बायोलॉजी रिलेटेड, वो सब हम करवाते हैं। तो आज हम आरएनए वर्ड के ऊपर टॉपिक बना रहे हैं। स्पेशली टॉपिक काफ़ी बड़ा है और काफ़ी कॉन्सेप्ट वाला है, लेकिन इसको हम समराइज करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आरएनए वर्ड है स्पेशली क्या, क्योंकि अलग अलग टीचर्स अलग अलग टाइप से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो स्पेशली एनसीईआरटी ने जिस टाइप से इसको समझाया है, उसी टाइप से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि आरएनए वर्ड क्या है। इसमें टाइप्स नहीं डालेंगे, हम इसका ओरिजिन पे बात करेंगे, आरएनए की स्पेशली ओरिजिन किस टाइप से हुआ है, या आरएनए वर्ड क्या था उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एनसीईआरटी को देखते हैं, तो आरएनए वर्ड जो 6.3 के अंदर अपने 12th क्लास के अंदर है, तो उसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है, फॉरन गोइंग द डिस्कशन द इमीडिएट क्वेश्चन, अपन ने जो पहले बात की थी उसमें देखा आरएनए वाला तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इन्होंने पहले तो बात कर ली फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो था वो आरएनए है। आरएनए के बाद में बताया है इन्होंने आरएनए यूज एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज द कैटेलिस्ट, ठीक है ना। और इन्होंने ये भी एक चीज इसके अंदर लिखी है, डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए, यानी कि ये बात कर रहे हैं आरएनए वर्ड की जिस जो टाइम पीरियड है उसका, न कि टाइम टाइप्स का। तो अपन इस टाइम पीरियड की बात करेंगे कि आरएनए वर्ड था क्या या किस टाइम था वो। स्पेशली अगर कंडीशंस देखते हम तो नॉन लाइफ लाइफ से लाइफ कंडीशन का जो फॉर्मेशन हुआ है उसके अंदर एक करेक्टर जो देखते हम उसमें जो जो जेनेटिक मटेरियल था वो एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल एक्यूमुलेट हुआ है और उसने इंफॉर्मेशन आगे सेंड की है जनरेशन टू जनरेशन। तो बेसिक जो हमारा पॉइंट था कि जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होना और जेनेटिक मटेरियल का फॉर्मेशन होना और उसके साथ वो रेप्लिकेट और कर जाना, ठीक है ना। तो दो करेक्टर्स इसके अंदर थे, एक तो जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल और रेप्लिकेशन। अगर ये दोनों करेक्टर्स किसी के अंदर हैं, ठीक है ना, तो वो लाइफ फॉर्म कर देगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आरएनए के अंदर, आरएनए जो था उसके अंदर ये दोनों ही करेक्टर्स थे। अगर मैं इसको देखूं, इसके अंदर बहुत करेक्टर थे, इसमें इंफॉर्मेशन भी थी, इंफॉर्मेशन भी थी और इसके अंदर दूसरा क्या था, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी थी। एक्टिविटी भी थी तो ये स्पेशली दोनों करेक्टर होने का थे, ये उस टाइम का एक टाइम पीरियड जो है स्पेशली ये हाइपोथेटिकली टाइम पीरियड माना जाता है। इसके बारे में कोई स्पेशली कोई करेक्टर्स का बारे में कोई फिक्स अपन कह नहीं सकते कि इस ये टाइम था, एक हाइपोथेटिकली कंडीशंस है ये। उसके अंदर ये कहा कि इन्फॉर्मेशन थी आरएनए के अंदर और एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी थी, राइबोजाइम्स जैसे आज अपन रिसर्च की बात करते हैं तब उसके अंदर मिलते हैं अपन को करेक्टर्स मिलते हैं, या अपने इंट्रोन वगैरह की अपन जो बात करते हैं तो उसके अंदर आरएनए का एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमें दिखाई देती है। तो ये दो जो करेक्टर थे वो प्रोवाइड करवा रहे थे उस टाइम का जो प्रिमेटिव एनवायरमेंट था उसमें लाइफ के फॉर्म होने को दिखा रहा था। तो आरएनए में दोनों करेक्टर थे। ये स्पेशली जो आरएनए वर्ड का जो टाइम पीरियड है काफी स्मॉल टाइम पीरियड है, ऐसा नहीं है कि बहुत लास्ट लंबे टाइम के लिए था। तो ये इस टाइप को हमको समझना पड़ेगा। और जो इसके अंदर एक स्पेशल बात ये थी, अगर मैं इस चीज को आगे देखूं,
अगर इवोल्यूशनरी केमिकल इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो एक पॉइंट के अंदर जाके हम ये देखते हैं कि एक कंडीशन ऐसी आई थी जिसके अंदर आरएनए था, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि राइबोजाइम कैटेलिक मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा था और साथ में राइबोजाइम पॉलीमरेज का भी काम कर रहा था, ठीक है ना, यानी रेप्लिकेशन का भी काम कर रहा था। और उसके बाद जो सीरीज चली वो एक्सटिंक्ट हो गई मेटाबॉलिक राइबोजाइम्स वाली, और उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ राइबोसोम हुआ और पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ, जिससे डीएनए आरएनए और आरएनए वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ये इसके अंदर हम दो फेजेस की बात करते हैं, डार्विनियन इवोल्यूशन फर्स्ट फेज के अंदर हम आरएनए पॉली वर्ड्स की बात करते हैं, और डार्विनियन इवोल्यूशन सेकंड के अंदर हम जो आज मॉडर्न इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम उसकी बात करते हैं। ये दो फेजेज हैं स्पेशली जिसमें एक आरएनए वर्ड की हम बात करते हैं। जो टर्म है आरएनए वर्ड, आरएनए वर्ड जो टर्म है वो स्पेशली गिलबर्ट ने दी थी। गिलबर्ट ने 1986 में टर्म जो दी थी वो गिलबर्ट ने दी थी स्पेशली। वैसे इसका जो कॉन्सेप्ट है आरएनए वर्ड का, ये पहले से चला आ रहा था। क्रिक ने दे दिया था इसको 68 के अंदर, और अपने देखे तो कौन से वोस था 1967 में, उन्होंने उन्होंने बता दिया था कि आरएनए जो है वो प्राइमोर्डियल मटेरियल है। प्राइमोर्डियल मटेरियल ये इन सब ने इसको बता दिया था। ये जो आरएनए वर्ड टर्म्स जब आई, ये स्पेशली गिलबर्ट ने जब जीन्स के अंदर एक्सॉन इंट्रॉन के करेक्टर को देखा और उसके अंदर आरएनए की जो कैटलिक एक्टिविटी के कारण से उसका फॉर्मेशन हुआ, वो उसकी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड थे, ना कि इस कंडीशन के लिए इंटरेस्टेड थे, ठीक है ना। आरएनए वर्ड का जो प्राइमरी कंडीशन है उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उससे पहले ये कॉन्सेप्ट जरूर आ गया था कि आरएनए जो है वो स्पेशली प्राइमोर्डियल है, यानी कि स्टार्टिंग वहां से हो रही है। तो सबसे पहले गिलबर्ट ने इस चीज को दिया था। अगर मैं इस चीज को कहूं आगे, तो अगर हम देखें स्पिंगलमैन जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने जो 5-बीटा बैक्टीरियोफेज के अंदर फेज में एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने कहा था कि जो आरएनए है उसमें डार्विनियन जैसे नेचुरल सिलेक्शन के मेथड के ऊपर गए थे, या उन्होंने जो थ्योरी दी थी, बैक्टीरियोफेज जो है आरएनए भी सिलेक्शंस करता है अपना आगे इवोल्यूशन के तौर पे, यानी कि जिस जो एडेप्ट करेगा, जो सिलेक्टिव होगा वो आगे डेवलप होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इस कंडीशन को बिल्कुल वेरीफाई कर देता था कि ये कंडीशन थी, ठीक है ना। अगर मैं इस चीज को और एक पॉइंट पे देखें कि क्या आरएनए वर्ड एग्जिस्ट करता है, अगर हम उस चीज को देखते हैं, तो उसके अंदर हम चार पॉइंट को अगर देखते हैं, तो आरएनए फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखें तो आरएनए बोथ करेक्टर करेक्टर दिखाता है। कौन कौन से? इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल, और दूसरा बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट पर ये दोनों कैरेक्टर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, और फिनोटाइप दोनों में ही दिखाया देता है, यानी आरएनए के इंफॉर्मेशन कैरेक्टर और कैटलिक कैरेक्टर दोनों ही जीनोटाइप में भी दिखाई देगा और फिनोटाइप में भी दिखाई देगा। दूसरी बात ये थी कि प्रोटीन भी इंफॉर्मेशन का काम करती है, लेकिन वो लिमिटेड कंडीशन में काम करती है। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को पता है, प्रियोन्स। प्रियोन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज क्रिएट करते हैं, तो यानी कि प्रोटीन जो है वो इंफॉर्मेशन का काम कर रही है, लेकिन प्रोटीन में लिमिटेड करेक्टर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, इसलिए प्रोटीन को हम नहीं मानते। और आरएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन कैपेबिलिटी होती है। फर्स्ट पॉइंट तो अगर हम इसको देखें तो दूसरा
दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो राइबोसोम जो है इस टाइम का मॉडर्न बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में फंक्शन कर रहा है और वो सभी एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है। वो कंडीशंस यानी कि जो राइबोसोम है वो आरएनए प्लस प्रोटीन का है, तो आरएनए मेन फंक्शन फंक्शन कर रहा है। राइबोसोमल आरएनए जो है, राइबोसोमल आरएनए की अगर हम बात करें, वो सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। कहां से? ल्यूका तक से। लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर जो है वहां से आज तक अगर हम देखते हैं तो आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहा है। तो ये करेक्टर आपको दिखाता है कि आरएनए वर्ड था क्योंकि वो ल्यूका से स्टार्ट हुआ हुआ है। तीसरा वर्ड अगर हम पॉइंट देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि लार्ज कॉम्बिनेशनल लाइब्रेरीज आरएनए की प्रेजेंट होती है, यानी कई टाइप के आरएनए हमें इसके अंदर मिलते हैं। तो वो इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आरएनए का इवोल्यूशन डिफरेंट टाइप से हुआ है। और अगर मैं फोर्थ अगर बात करूं, फोर्थ अगर बात करूं आरएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के अंदर जो कैटलिस्ट यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट यूज होंगे, एंजाइम्स यूज होते हैं। अगर मैं डीएनए के रेप्लिकेशन की बात करता हूं तो डीएनए के रेप्लिकेशन में आरएनए के रेप्लिकेशन के अलावा एडिशनल दो ही एंजाइम्स होते हैं, थाइमिडाइल सिंथेज और राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। ये दो टाइप के एंजाइम डिफरेंट होते हैं, बाकी सेम होते हैं आरएनए रेप्लिकेशन से। जो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो आरएनए है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, ठीक है ना। दूसरा अगर हम देखें, ये चार पॉइंट तो ये थे, और डिफरेंट टाइप के अल्टरनेट जेनेटिक सिस्टम हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, जिसमें अगर मैं पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड की बात करता हूं, ये पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड है। पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड की बात अगर हम करें, इसमें डबल स्टेबल डबल स्ट्रैंड हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है और ये कंप्लीमेंट्री डीएनए की का वर्क करता है और टेम्पलेट का भी वर्क करता है आरएनए सिंथेसिस के अंदर। और अगर पाइरेनोसाइल्स आरएनए की अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर डबल हेलिक्स तो बन ही रहा है, साथ में इसके अंदर वाइंडिंग और अनवाइंडिंग जो कंडीशंस है काफी इजीली रहती है। तो ये भी एक करेक्टर दिखाता है। हेक्सीटोल न्यूक्लिक एसिड या एल्ट्रियोल्स न्यूक्लिक एसिड, ये आइसोमर्स होते हैं स्पेशली, ये भी करेक्टर दिखाते हैं दोनों के दोनों डबल हेलिक्स के। और अगर मैं थ्रियोज न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करता हूं, ये सारे डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस एट प्रेजेंट लाइब्रेरी में भी फॉर्मेशन हुआ। और अगर हम बायो स्फीयर की अगर फॉर्मेशन, बायो सूप की अगर हम बात करते हैं, वहां इसका फॉर्मेशन हुआ है। अगर मैं थ्रियोज न्यूक्लिक एसिड की अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर एंटी पैरेलल कंडीशंस जो कि डीएनए में प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि ये एंटी पैरेलल कंडीशन फॉर्मेशन करता है और कंप्लीमेंट्री डीएनए और आरएनए या हम न्यूक्लियोटाइड्स की अगर बात करें उसके साथ पेयरिंग करता है। तो ये डिफरेंट टाइप के हमें उसके प्री आरएनए के पार्ट हमें मिलते हैं लेबोरेटरी के अंदर, या हम कहेंगे हमारे सूट के अंदर अगर हम बायोस्फेयर की अगर बात करते हैं तो प्रेजेंट होते हैं। ये जो पॉइंट, ये अगर पॉइंट को हम देखते हैं तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि आरएनए वर्ड एक टाइप का एक एरा था, किसी टाइम में एक कंडीशंस थी जिसके अंदर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ। आप लोगों को कैसा लगा? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।